खबर लाल कुआं से है, जहां दीनदयाल अंत्योदय के तहत बुधवार को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि नगर पंचायत सभागार में आज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में नगर क्षेत्र की 18 स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बुनाई और क्रोशिया का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षकों द्वारा बुनाई की बारीकियां समझाई गईं। प्रशिक्षण एक सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग तरीके से ऊन के वस्त्र तैयार किए जाएंगे। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। योजना है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे नगर पंचायत द्वारा सॉरी 18 समूहों का गठन किया गया है। महिला समूह है ये। इन समूहों को स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, आय सृजन करने के लिए हमने यहाँ पे 4 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। ये चौथा प्रशिक्षण अभी चल रहा है। इससे पहले कैंडल मेकिंग, नमकीन मेकिंग और एक था किसका, ऐपण वाला, एक ऐपण वाला, और ये चौथा जो है ये क्रोशिया और सलाई से जो बिनाई कढ़ाई है ये उसका प्रशिक्षण चल रहा है। तो सभी लोग काफ़ी उत्साह से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं महिलाएं, और हमारा उद्देश्य यही है कि इसके माध्यम से जो भी स्किल डेवलपमेंट इनका हो, उससे किसी न किसी तरह से कुछ भी हो, आय का सृजन किया जाए, कुछ ऐसे उत्पाद बनाए जाए जिनको बाजार में बेचा जा सके, चाहे वो कैंडल हो, चाहे वो नमकीन हो, और भी जो ये बिनाई वाला काम है।